तो दिन की शुरुआत होती है भैया हमारी बारिश के साथ। अब चलते हैं दर्शन करने, 8:30 हो चुके हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज है मेरा सेकंड डे वैष्णो देवी में। और भाई साहब, सुबह मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई है। अभी मैं नहा धो के अब जा रहा हूँ मैं दर्शन करने, टाइम हो चुका है 8:30। बाल ऑयली ऑयली हो रहे हैं क्योंकि मैंने ऑयल ज़्यादा लगा लिया। पहले करता हूँ अपना बैग आर्मी लॉकर में समेट, गेट नंबर 5 से एंट्री लेता हूँ और फोन सब रखता हूँ। पहले लेता हूँ प्रसाद, फिर लॉकर लूँगा और फिर दर्शन करने चलूँगा। तो अब यहाँ से लेते हैं प्रसाद और फिर चलते हैं। तो मैंने 2 प्रसाद ले लिए, एक मेरा, एक सीमा दीदी है मामा जी की बेटी उनके लिए, और एक ये चुन्नी लिया मैं जो चढ़ाऊँगा। और देख सकते हैं बारिश हो रही है बहुत सही। और अभी यहाँ से चलता हूँ मैं आर्मी लॉक, जहाँ पे मतलब आर्मी के लॉकर हैं आर्मी वालों के लिए, वहाँ पे अपने बैग फ़ोन सब सबमिट करता हूँ और फ़ोन लगा दूंगा मैं चार्जिंग पे बैग में रख के उससे। तो यहाँ पे आर्मी रिसेप्शन, तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ करते हैं अपने लॉकर, ये रहे, पहले स्लीपर्स उतारता हूँ और फिर बैग सबमिट करता हूँ। तो लॉकर मिल चुका है, अब जल्दी से बैग रखता हूँ और फिर चलते हैं यहाँ से। तो दर्शन तो मैं करके आ चुका हूँ, बाकी जो मेरा लोवर और जैकेट थे वो मैं पहन लेता हूँ जिससे बैग खाली हो जाए और मैं प्रसाद रख लूँ, क्योंकि वरना बंदर छीन लेते हैं। और बाकी बाहर जाके करूँगा क्योंकि अभी मैं, वेदर रिपोर्ट आप देख सकते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और अभी मेरे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन एक बार नहीं 4 बार हुए हैं मेरे भाई साहब, क्योंकि पापा का कार्ड था तो पापा की कार्ड से VIP एंट्री हुई। वहाँ से पहली बार गया, फिर दूसरी बार गया, फिर तीसरी बार गया, फिर चौथी बार गया, 4 बार दर्शन करा है, 4 बार माता ने बुलाया अपने पास मुझे। मतलब बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश, एक नंबर दर्शन हुआ है मेरे। और बाकी अभी मैंने जो मेरा प्रसाद था वो मैंने बैग में डाल लिया है और जैकेट और लोअर पहन लिया है। तो अब चढ़ाई शुरू करते हैं भैरव बाबा के लिए, वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, पहले भैरव बाबा के दर्शन करूंगा फिर खाऊंगा उतरते समय, क्योंकि अभी भूख भी नहीं है और झूठे मुंह में दर्शन नहीं करूंगा इसलिए। भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर, चलो भाई चढ़ाई शुरू कर दिया। जयकारा शेरा वाली माँ, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। चलो जी, भैरव बाबा के लिए ऊपर चढ़ाई शुरू कर दिया और फोन में बैटरी का मैं तो पावर बैंक से चार्जिंग पे लगा रखा है। तो चलो भाई, जय माता दी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं बारिश और तेज़ हो रही है। एंड चेक दिस आउट, ये देखो इतना ऊपर चढ़ गया हूँ अभी, और पीछे वेदर देख सकते हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पर मज़ा आ रहा है बारिश में। बस ये है मैं रेनकोट लाना भूल गया, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, कपड़े गीले हो जाएंगे, पर कोई नहीं, देख लो इतनी शीतलहर चल रही है, बहुत तेज बहाव हुई है और बारिश भी हो रही है। भाई मैं ये वाली स्टेयर्स चढ़ रहा था, ऊपर से लैंडस्लाइड हुई, इस पर इतनी ज़ोर से पत्थर गिरा, धट नीचे एकदम बच गया, कुछ मतलब कुछ सेकंडों से बच्चा हूँ, वरना तो सिर पे लगता। और इतना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, होगा हाँ इतना 2.5-3 किलो का पत्थर होगा, एकदम से पता नहीं कहाँ से गिरा, भट इस पर और नीचे यहाँ गिरा था यहाँ भाई। तो भाई भैरव बाबा तो पहुँच चुका हूँ, अब मेरे को लेना प्रसाद और फिर दर्शन करता हूँ। और ठंड देखो कितनी बढ़ चुकी है, कितना फॉग निकल रहा है। सिगरेट नहीं पीता भाई मैं। ये देखो बहुत ज़्यादा लिप्स भी ड्राई हो गए, स्किन भी ड्राई होनी शुरू हो गई है, बाल पूरे गीले। अब यहाँ से प्रसाद लेते हैं, दर्शन करते हैं और फिर नीचे चलते हैं। फाइनली भैरव बाबा, चेक दिस आउट भाई, एक नंबर, सुकून भाई, पीछे देखो यार भाई, ये देखो तुम ओपी भाई, एक नंबर यार, कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ, चेक दिस आउट, एक नंबर भाई। अब चलते हैं भाई दर्शन करने के लिए, दर्शन करके फिर सीधा नीचे अर्धकुंवारी पे रुकेंगे, तो पहले दर्शन करते हैं जल्दी से। तो गाइस भैरव बाबा से तो हम निकल चुके हैं, यहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ नए वाले रास्ते से, तो पूरा टीम से कवर है, तो बारिश का तो अब डर नहीं है, बस कुछ खाने के लिए मिल जाए मेरे को, क्योंकि अब लग रही है भूख बहुत ज़्यादा तेज। और पानी की बॉटल भी लेनी है जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। बाकी भाई मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, अब पहले खाना है और फिर अर्धकुंवारी रुकना है। यार यहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा हैं, डर लग रहा है, बाकी कोई नहीं चलो। तो भाई अभी यहाँ रुका हूँ कुछ खाने के लिए, तो सैंडविच और एक कॉफ़ी लेता हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाके खाऊंगा। तो भाई अपनी कॉफ़ी और सैंडविच तैयार हो चुका है, खाते हैं अभी से, थोड़ी सी शरीर में गर्माहट आ जाएगी और पेट भी थोड़ा सा भर जाएगा, बाकी लंच नीचे करूँगा। तो अभी अपनी कॉफ़ी आ चुकी है और बाकी व्यू देख सकते हो आप, और बारिश हो रही है अच्छी खासी। सैंडविच भी खाता हूँ, पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ।
तो भाई कॉफ़ी और सैंडविच तो खा लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं नीचे। नीचे जाके सोच रहा हूँ पैटीज़ या फिर कुछ और खा लूँगा, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल ये बहुत था, बाकी नीचे जाके खाऊँगा। भाई मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उतर रहा हूँ, देख ले कटरा इतना पास लग रहा है मुझे। अकेले आने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये है कि तुम फोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, सिर्फ सेल्फीज़ ले सकते हो, और कोई मतलब फ़ोटो क्लिक करेगा तो उस पर तुम्हें ये होगा कि इसने ऐसे खींच दिया वैसे खींच दिया, तुम्हें चाहिए भाई सब प्रोफेशनल फ़ोटोज़ एकदम। तो बस एक ये डिसएडवांटेज है, बाकी तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी होंगी, ये सब चीज़ें हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाने के, तुम कर पाने के हो, बिलीव इन योर सेल्फ, तुम सब कुछ कर सकते हो, बाकी भगवान पे भाई भरोसा रखो, भगवान सब खुद पे खुद करा देता है। कल मेरे को इस जगह से भवन पे पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया था, और मैं आधे घंटे में यहाँ पे आ गया हूँ। उतरने में इतना टाइम नहीं लगता जितना चढ़ने में लगता है, उतरने में इतना टाइम नहीं लगता जितना चढ़ने में लगता है। मैं यहाँ से 1.5 घंटे में ऊपर पहुंचा था, और आज आधे घंटे में नीचे आ गया हूँ यहाँ पे। आधे घंटे में अर्धकुंवारी पहुंच जाऊंगा, तो अर्धकुंवारी जाके ही खाऊंगा, बाकी बारिश रुकी ही नहीं है जब से, हो जा रही है। और वेदर देख सकते हो कितना, मतलब बादल देखो कितने काले हो रखे, पीछे देख रहे हो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बाकी भाई दर्शन एक नंबर हुए, बहुत मजा आया, 4 बार दर्शन हुए भाई के। अब चलते हैं यहाँ से नीचे, बस थोड़ी सी दूर और देन अर्धकुंवारी। बाकी वेदर रिपोर्ट है भाई, अर्धकुंवारी में आके बारिश बंद हो चुकी है, सिर्फ शीत लहर चल रही है, बारिश बंद हो चुकी है, और अब इतनी ठंड भी नहीं लग रही है, तो सोच रहा हूँ जैकेट उतार दूँ, लेकिन हवा चल रही है तो सर्दी गर्मी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी उतार नहीं रहा हूँ। अब अर्धकुंवारी पे जाके खाऊंगा, देन गुफा के दर्शन करूंगा। देख सकते हैं पेड़ कितनी तेज हिल रहे हैं। फाइनली अर्धकुंवारी सिर्फ आधे घंटे में। मैं इतनी शॉर्टी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12:47 पे भैया का कॉल आया था, तो मैंने कहा था 2 बजे तक पहुँच पाऊंगा, भाई 1:19 हो रहे हैं और मैं पहुँच चुका। अब पहले खाता हूँ, देन गुफा के दर्शन करेंगे। तो भाई पहले मैं गुफा के दर्शन कर लेता हूँ, फिर कुछ खाऊंगा, फिर उससे क्या होगा कि मैं जल्दी से नीचे पहुँच जाऊंगा, या तो कैंप रुक जाऊंगा फिर, या फिर कटरा में रूम ले लूंगा, तो वो मेरे लिए ईजी रहेगा कि पूरी रात मैं सही से सो पाऊंगा। तो अब जल्दी से दर्शन कर लेता हूँ, बैग और फोन सबमिट कर दो। तो भाई अभी अर्धकुंवारी में लगेंगे 2 घंटे, 4:30 बजे गेट खुलेंगे, तो इसलिए तो अभी 2 घंटे हैं, तो मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर फोन और बैग अपना लॉकर में रख दूंगा, देन दर्शन करूंगा और फिर नीचे। तो अभी मैंने खाने के लिए लिया दाल मखनी और 2 बटर नान, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है तो लेते हैं भाई। तो भाई पहले मैंने की थी दाल मखनी और बटर नान, तो 2 बटर नान बच गई थी, इसलिए मैंने अभी कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर लिया और 1 स्प्राइट, तो इसे खाते हैं फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, इसे कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 2 घंटे की वेटिंग, 2 घंटे बताए थे उन्होंने, तो 1 घंटा तो हो चुका है शायद मुझे, बाकी देखता हूँ कि कितना टाइम और लगेगा वहाँ जाके। तो जल्दी से खाना आराम से खाना खाता हूँ, फिर आराम से जैसे आर्मी कैंप पहुँचाऊंगा, क्योंकि जो स्लोप है अब डाउन है, तो अगर आर्मी कैंप में मिल गया ठीक है, वरना तो फिर एक कटरा में रूम ले लूँगा। तो अभी मैं जैसे खाना खा रहा था, तो मेरे पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, वो बार बार मेरी बैग पे पंच करें, और जैसे मैं पीछे मुड़ूँ तो वो इग्नोर करना शुरू कर दे, मतलब इतनी क्यूट सी है वो, ये जो ना जो बैठी हुई कैप लगा के, ये बहुत क्यूट बच्ची है भाई, और जैसे मैं पीछे मुड़ूँ इग्नोर कर देती है मुझे। तो भाई फ़ोन और अपना पावर बैंक चार्ज करके 1.5 घंटे बैठा रहा वहाँ पे, नींद आ रही थी पर सोया नहीं मैं। अब चल रहे हैं, देखते हैं कि दरबार खुल गए हैं या नहीं, अगर खुल गए होंगे तो फिर दर्शन करते हैं। तो गुफा के दर्शन हो चुके हैं, अब मैं चल रहा हूँ नीचे। 3 बजे गुफा में एंटर हुआ था, 5 बजे निकला हूँ, 2 घंटे में मैं बाहर निकला हूँ। बाकी अब यहाँ से बाकी अर्धकुंवारी से चलते हैं नीचे, या तो आर्मी कैंप या फिर नीचे कटरा में जाके रूम लेंगे, तो चलते हैं। जय माता दी। यहाँ बंदर छोले कुलचे खा रहे हैं, वाह चीते वाह, और एक वहाँ बैठ के सेब खा रहे हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस है ये नहीं है। तो भी लिए मैंने पानी की बोतल, बाकी मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही थी, इस वजह से पानी की बोतल लेनी पड़ी, क्योंकि लिफ्ट बहुत ज़्यादा ड्राइवर थे, तो पानी पीते ट्रैक करूँगा तो बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी, बाकी मुझे भी नहीं पता अभी कितना रह गया है, बस उतरे जा रहा हूँ बहुत जल्दी। आई डोंट नो मैं किस जगह हूँ, बस मेरे को ये पता है कि यहाँ से बाणगंगा 2 किलोमीटर है। तो अभी करा रहा हूँ मसाज, जिससे रूम पे जाके सो जाऊँ आराम से रिलैक्स होके, तो फुल बॉडी मसाज करा रहा हूँ, ये कर रही है नेक की, बैक की भी हो रही है और पैर की भी हो रही है, 15 मिनट रिलैक्स मिलेगा अच्छा सा। तो भाई मसाज तो करा लिया, थोड़ा सा पैर में रिलैक्स मिला है,
बाकी अब नीचे चलते हैं, आधे घंटे का रास्ता और रह गया है, फिर आर्मी कैंप में रूम लेते हैं, वहाँ रुकते हैं, वरना अगर वहाँ नहीं मिला, वहाँ हाउसफुल हुआ, फिर कटरा में ही रूम बुक करना पड़ेगा, तो देखते हैं अब क्या होगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ चरण पादुका मंदिर, अब यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर नीचे उतरते हैं। तो चरण पादुका के तो दर्शन कर लिए, अब चलता हूँ नीचे, 6 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है, तो उससे पहले मेरे को नीचे पहुँचना पड़ेगा कैसे भी। अर्धकुंवारी और मैं यहाँ इतनी दूर आ चुका हूँ। तो अभी मैंने लिया एक ग्लूकोन डी का छोटा वाला पैकेट ऑरेंज फ्लेवर, क्योंकि ज़्यादा पानी है नहीं, इसी में मिला लूँगा, थोड़ा सा सही लगेगा इसलिए। और यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होते हुए अब अपना जो हमें कार्ड मिला था उस कार्ड को सबमिट करेंगे यहाँ पे, देन हम चलेंगे आर्मी कैंप। तो ये था हमारा यात्रा कार्ड जो कि इसमें गिरना है, बाकी कटरा जाने का रास्ता एग्जिट इधर। तो यहाँ पे होती हमारी यात्रा ख़त्म और इधर से जाएंगे नीचे आर्मी कैंप के लिए। तो अब नीचे उतरते हैं, लिटरली भाई कुछ देर पहले वहाँ और अब यहाँ, देख रहे हो, मतलब टाइम का कुछ नहीं पता, तुम कब कहाँ हो और कब कहाँ पहुँच जाओ, लाइफ के अप्स एंड डाउन रहे हैं, एक पल में वहाँ था, एक पल में यहाँ आ गया। मुझे तो लगता नहीं कि नीचे जाके रूम मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे ऑटो उतर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हाउसफुल होगा, बाकी लग देखते हैं कैसा है। अब यहाँ पे स्टे करते हैं, बैग रखता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, फिर कुछ खाने चलूंगा, ऊपर ही रेस्टोरेंट है। तो अभी टाइम हो चुका है 9:30 और मैं जा रहा हूँ अभी खाना खाने मैस में। तो एक सर है, उन्होंने मेरे को बता दिया था कि मैस कहाँ पे है, तो वहाँ जाके मैं मैस में खाना खाता हूँ और फिर सो जाऊँगा। तो भाई खाना खा लिया है, खुद प्लेट धोनी पड़ती है मैस में, आर्मी के पूरे जितने भी रूल्स हैं वो तुमको सब फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी मैं बाहर जाके बात करूंगा। तो भाई खाना वाना डन, मतलब तुम्हें सारी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तुम्हें कैसे खाना है प्रॉपर। मैंने खाने के उसमें पूरी आर्मी लाइफ जी है इस टाइम, अभी प्लेट उठाना लेना खाना, चम्मच नहीं मिलेगी तुम्हें हाथ से खाना पड़ेगा, फिर खाने के बाद तुम्हें प्लेट भी धोनी पड़ेगी, भाई बहुत सही था। फिर प्लेट धो के फिर उसे रखो वहाँ पे। अब मैं चलता हूँ सोने के लिए और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। लाइक कॉमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके आना, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देम बाय।